हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले होते हैं सभी को डिस्कस करेंगे और उनको किस तरह से याद किया जाता है। आइए देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं साइन ऑफ 45 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है? हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री वाला हमने किया था, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/√2। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ इसकी वैल्यू क्या होती है, हाँ जी इसकी वैल्यू क्या होती है, आइए देखते हैं। हाँ जी, साइन ऑफ माइनस थीटा को कैसे लिखते हैं? माइनस के साइन थीटा, ठीक है। अब सेम यहाँ पे थीटा की जगह क्या 45 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? माइनस के साइन 45। माइनस और साइन 45 की वैल्यू क्या? 1/√2। इसकी वैल्यू होती है माइनस के 1/√2। ऐसे ही अगर साइन की जगह पे कोस आ जाए तो कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। उसके बाद टेंजेंट माइनस के टेन थीटा होता है। उसके बाद कोट माइनस के कोट थीटा होता है। उसके बाद सिकेंट सिकेंट थीटा होता है। उसके बाद कोसिकेंट माइनस के कोसिकेंट थीटा होता है, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने का बेस्ट तरीका क्या है? आप ऐसे याद कर लीजिए, जो कोस और सिकेंट होता है ये दोनों माइनस को खा जाते हैं। जैसे कोस ऑफ माइनस थीटा क्या था? ये माइनस को खा गया, कोस थीटा आ गया। ऐसे सिकेंट ऑफ माइनस थीटा, ये माइनस को खा गया, सिकेंट थीटा आ गया। इसके अलावा जो चार रह गए, 1, 2, 3, 4, ये माइनस को नहीं खा पाते, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। आइए और देखते हैं। आइए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ और प्रॉपर्टीज़ और फार्मूले डिस्कस करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं साइन ऑफ 90 माइनस के थीटा क्या होता है, ठीक है दोस्तों, ये होता है इज इक्वल टू कोस थीटा के बराबर, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप ऐसे कितने फार्मूले याद करोगे, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं भी ये साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कोस थीटा आया कैसे। आइए समझते हैं। जैसे पिछले पार्ट में हमने क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा था। क्वाड्रेंट क्या होते हैं? जैसे क्वाड्रेंट, जब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन आपस में काटती हैं एक दूसरे को, तो वहाँ पे चार क्वाड्रेंट बनते हैं, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेंजेंट कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में कोस और सेकेंट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये हमने पिछले पार्ट में समझा था, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें और समझने की जरूरत है। जैसे जहाँ पे भी 90 आ जाएगा और 270 आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे चेंज करना है मुझे। क्या चेंज करना है मुझे? जैसे यहाँ पे 90 है, यहाँ पे चेंज करना है मुझे, पर चेंज क्या करना है? 90 और 270 डिग्री जहाँ पे भी आ जाएगा वहाँ चेंज करना है। करना क्या चेंज है? देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, अगर तो साइन थीटा है उसको चेंज कर दो कोस थीटा में, ठीक है दोस्तों। अगर कोस थीटा है उसको चेंज कर दो साइन थीटा में, सिंपल आपको ये करना है। अगर टेन थीटा है उसको चेंज कर दो कोट थीटा में, अगर कोट थीटा है उसको चेंज कर दो टेन थीटा में, ठीक है दोस्तों। अगर कोसिकेंट थीटा है उसको चेंज कर दो सिकेंट थीटा में, सिकेंट थीटा है उसको चेंज कर दो कोसिकेंट थीटा में, ठीक है। आपको बस ये चीज़ें समझनी है, ठीक है। और अगर 180 और 360 है तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो मुझे कोई चेंज नहीं करना। आइए अब क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, जैसे ये क्वेश्चन, इसका फार्मूला क्या होगा? साइन ऑफ 90 माइनस के थीटा, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या देखना है? सबसे पहले मुझे देखना है, हाँ जी साइन 90 है, यहाँ पे 90 देखना है, यहाँ पे 90 है, हाँ जी 90 देखते ही मुझे समझ आना चाहिए भी चेंज करना है। 90 देखते ही समझ आना चेंज किस में चेंज करना है? कोस थीटा। इसको सिंपली इज इक्वल टू लिख दो कोस थीटा, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट स्टेप तो ये है। उसके बाद मुझे चेक करना है इसके आगे प्लस लिखूँ क्या माइनस लिखूँ, वो कैसे देखना है? आइए चेक करते हैं। जैसे ये दो लाइनें आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है, यहाँ पे एंगल क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है दोस्तों। ये टोटल एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। 90 में से थीट्टा की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, मान लो थीट्टा की वैल्यू 45 डिग्री है, 90 में से 45 है तो 45, ठीक है। थीट्टा में से कुछ, 90 में से कुछ माइनस हो रहा है, ये यहाँ पे 90 डिग्री है, इसमें से कुछ माइनस होकर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ जाएगी वैल्यू, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगी। मान लीजिए कुछ भी माइनस हो रहा है, मान लो 45 डिग्री हो रहा है तो 45 डिग्री आ जाएगा, यानी कि कुछ माइनस होके तो ये एंगल किस में आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। और मुझे चेक करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा? कोस थीटा, ये एज इट इज पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। मुझे इसको चेक करना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या, ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है तो इसलिए क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, ठीक है। सेकंड चेक करते हैं, कोस 90 माइनस के थीटा, आप 90 देखते ही समझ जाओ 90 है तो मुझे चेंज करना है, किस में चेंज होगा? कोस, साइन में चेंज होगा, ठीक है दोस्तों।
90 में से कुछ माइनस हो रहा है, 90 में से कुछ माइनस हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं, तो इसका भी पॉजिटिव आ जाएगा। 1090 माइनस के थीटा, 1090 है तो किस में चेंज होएगा, कोट थीटा में। उसके बाद देखना है 1090 माइनस थीटा, ये पॉजिटिव लिखूँ क्या नेगेटिव लिखूँ, इसके आगे पॉजिटिव लिखूँ क्या नेगेटिव लिखूँ। हाँ जी देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा। कोट 90 माइनस के कोट को किस में चेंज करना है, टेन थीटा, इसके आगे पॉजिटिव। सिकेंट को कोसिकेंट, इसके आगे पॉजिटिव, और कोसिकेंट को सिकेंट थीटा, इसके आगे पॉजिटिव। आइए और देखते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर होगा, सबसे पहले 90 है, आप 90 देखते समझाओ चेंज है, 90 और 270 में चेंज होता है, चेंज किस में करना है, साइन को चेंज करना है कोस में, यहाँ पे सीधा कोस थीटा लिख लो, ठीक है। उसके बाद मुझे चेक क्या करना है, इसके आगे प्लस लिखूँ क्या माइनस लिखूँ, यहाँ पे वो चेक कैसे होता है, मुझे इसको देखना है साइन को, ये क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा, किस में चेक करना है, 90 में कुछ ऐड हो रहा है, 90 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, मान लीजिए वो 10 ही ऐड हो तो ये क्या हो जाएगा, हाँ जी 100 हो जाएगा, यानी कि 90 में कुछ ऐड हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ये क्या 90 डिग्री, इसमें कुछ प्लस हो के तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना, ये यहाँ पे 90 डिग्री है दोस्तों, इसमें कुछ प्लस होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा सभी क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मुझे यहाँ चेक करना है, यहाँ प्लस लिखूँ क्या माइनस लिखूँ, ठीक है, तो मैं ये देखूंगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, इसको नहीं चेक करेंगे हम, इसको चेक करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ठीक है दोस्तों। ये तो मुझे श्योर होगा भी 90 में कुछ ऐड होएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन देखना है मुझे, साइन पॉजिटिव है, हाँ जी पॉजिटिव है, तो इसका आ जाएगा प्लस कोस थीटा। उसको इसको चेक करते हैं, सबसे पहले 90 है, 90 देखते हैं आप इसको बढ़ा दो साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 90 में कुछ ऐड हो रहा है, 90 में कुछ जुड़ रहा है, 90 में कुछ जुड़ के 90 यहाँ पे है, कुछ जुड़ के सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या चेक करूँगा मैं, कोस, इसको चेक करना है सेकंड क्वाड्रेंट में, कोस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस के साइन थीटा, ठीक है। ऐसे आप हर एक की वैल्यू ड्राइव कर सकते हो, टेन किस में चेंज में हो जाएगा, टेन कोट में चेंज हो जाएगा, टेन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस में इसमें आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन डिग्री होता है नेगेटिव होता है, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा। आप अपने आप से करके देखिए इसको, मैं लिख देता हूँ, आप अपने आप समझिए इसको ये कैसे आया, ये आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसको चेक करते हैं, कोसिकेंट 90 प्लस थीटा, 90 चेंज कर देंगे किसको, सिकेंट में चेंज हो जाएगा, ये तो श्योर है सिकेंट थीटा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 90 प्लस 90 में कुछ जुड़ रहा है, 90 यहाँ पे इसमें कुछ जुड़ के सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसिकेंट, और ये क्या मेरा कोसिकेंट, तो ये भी क्या देगा पॉजिटिव आ जाएगा। और देखते हैं, जैसे साइन 180 माइनस थीटा आ गया, ठीक है दोस्तों, हाँ जी 180 और 360 में नो चेंज, सिंपल क्या करना है, साइन का साइन ही रह जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नो चेंज है, किसी में चेंज नहीं करना, तो साइन का साइन ही लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है प्लस है क्या माइनस है, हाँ जी 180 में से कुछ माइनस हो रहा है, हाँ जी 180 डिग्री यहाँ पे एंगल, क्योंकि सारा एंगल यहाँ से यहाँ 180 होता है, इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, इसमें से कुछ माइनस होके तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में रह जाएगा। 180 में से कुछ माइनस हो रहा है, मान लो 180 में से 10 माइनस हो रहा है, वो 170 आएगा, 170 तो यहाँ 90 है और इसके बीच में लगेगा, यानी कि 180 में से कुछ माइनस हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है दोस्तों। अब सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे चेक करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा सभी क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। साइन ये सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। मुझे इसको देखना है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इस साइड को देखना, इस साइड को देखना है, हाँ जी कोस थीटा 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ऐसे ये टेन थीटा एज इट इज आ जाएगा। आप ये सभी करके देखिए, ट्राई करके देखिए, ठीक है। उसके बाद और पॉजिटिव क्या आएगा, ये सभी नेगेटिव आएंगे। कोसिकेंट इसको देखो, 180 है नो चेंज, कोसिकेंट थीटा एज इट इज आ जाएगा, हाँ जी सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट देखना ना, कोसिकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो इसके आगे क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आप खुद करके देखिए, आइए और देखते हैं। जैसे अब 180 यहाँ पे प्लस आ गया, बीच में प्लस आ गया, अब क्या, अब ये किसके बराबर होगा, साइन 180 प्लस थीटा सेम, हाँ जी 180 और 360 नो चेंज, साइन थीटा का साइन थीटा एज इट इज लिख दो, ठीक है दोस्तों, हाँ जी। अब 180 में कुछ ऐड हो रहा है, 180 में कुछ जुड़ रहा है, 180 मान लो 10 ही जोड़ के देख लो, 180 में 10 जोड़ा कितना 190 हो गया, यानी कुछ ऐड हो रहा है उसमें, 180 डिग्री यहाँ होता है, इसमें कुछ ऐड होके तो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं पहुँच के एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि एंगल क्या है यहाँ पे, हर एक वैल्यू पे थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है, क्योंकि हर एक में प्लस प्लस हो रही है 180 में, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है, ठीक है दोस्तों। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा सभी का नेगेटिव,
हाँ जी साइन थर्ड क्वार्टर में नेगेटिव, चेंज तो कुछ नहीं होगा, ये भी नेगेटिव, ये 180 है एज इट इज लिखना है, ठीक है दोस्तों। पर थर्ड क्वार्टर में 180 में कुछ ऐड हो गया, थर्ड क्वार्टर में आ गया, और थर्ड क्वार्टर में टेंडेंस क्या होता है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, हाँ जी ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, आप खुद ही करके देखिए। आइए और देखते हैं, आइए अब देखते हैं साइन 270 माइनस थीटा, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, हाँ जी 90 और 270 में चेंज करना है, चेंज करना है, किस में चेंज करना है, साइन को कोस में चेंज करना है, सिंपल आप कोस थीटा लिख दो, ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पे है वही थीटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस आएगा क्या माइनस आएगा, अब चेक करते हैं, हाँ जी यहाँ पे ये एंगल कितना है, 270 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे 90, यहाँ पे सारा 180, यहाँ पे 270, 270 में से कुछ माइनस हो रहा है, 270 में से कुछ माइनस होगा तो वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, मान लीजिए 10 माइनस हो रहा है, मान के चलते हैं, तो 260 और 260 क्या थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि हर एक पॉइंट पे एंगल क्या थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि माइनस हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव है, टेंजेंट और कोटेंजेंट और सभी क्या नेगेटिव है, ठीक है, हाँ जी साइन साइन थीटा इसको चेक करना है, ये पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ये साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव, तो इसके आगे नेगेटिव आ जाएगा, हाँ जी कोस 270 पहले चेंज करेंगे, कोस को साइन में सबसे पहले स्टेप है चेंज करना, ठीक है दोस्तों, उसके बाद चेक करना एंगल क्या है, ठीक है। ये थर्ड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में कोस क्या होता है नेगेटिव, इसको चेक करते हैं, टेंजेंट चेंज तो होएगा कोट थीटा, अब थर्ड क्वार्टर में चेक करना है, थर्ड क्वार्टर में टेंजेंट क्या होता है पॉजिटिव, इसको भी आप खुद करके देखें, इनको भी, इन तीनों को आप खुद करके देखें, ठीक है दोस्तों। आइए और देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ गया, साइन 270 प्लस थीटा, 270 देखते ही चेंज करो, साइन को किस में चेंज करो, कोस थीटा में चेंज करो, 270 प्लस थीटा, 270 यहाँ पे है, इसमें कुछ ऐड हो रहा है, 270 में कुछ जुड़ रहा है, तो जुड़ के फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए हम, यानी कि सारे एंगल क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, कोस और सेकंट पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा सभी क्या नेगेटिव है, हाँ जी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, पर साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, हाँ जी 270 चेंज हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ठीक है दोस्तों, आप ये सभी खुद ट्राई करके देखें, ठीक। आइए अब देखते हैं जब 360 माइनस थीटा आ जाए, ठीक है, करना क्या है, 180 और 360 में नो चेंज, साइन का साइन एज इट इज आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, बस आप एक बार अच्छी तरह से समझ लिए तो आप किसी भी टाइप का फार्मूला इजीली कर सकते हैं, हाँ जी साइन थीटा का साइन थीटा एज इट आ जाएगा, 360 में से ये 360 यहाँ पे है, ठीक है, इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है दोस्तों, 360 यहाँ पे, ये सारा एंगल 360 का ना, यहाँ पे 360 है, इसमें से कुछ माइनस हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, यानी कि सारे क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये सारे एंगल क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेकंट पॉजिटिव, उसके अलावा सभी क्या नेगेटिव करने हैं, हाँ जी ये नेगेटिव आ जाएगा, कोस 360 है, कोस का कोस रहेगा क्योंकि 180 360 में नो चेंज, पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये पॉजिटिव, हाँ जी टेंजेंट का टेंजेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ठीक है दोस्तों, ये भी नेगेटिव, ठीक है, हाँ जी ये कोस और सेकंट क्या होते हैं पॉजिटिव, तो ये भी क्या आ जाएगा सेकंट थीटा, ये भी पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव। आइए लास्ट देखते हैं, जैसे 360 प्लस थीटा आ गया, ठीक है दोस्तों, 360 प्लस थीटा, हाँ जी 180 और 360 में क्या नो चेंज, नो चेंज, साइन थीटा का साइन थीटा एज इट इज, ठीक है, अब मुझे चेक करना है यहाँ प्लस लिखूँ का माइनस लिखूँ, आइए देखते हैं 360 यहाँ पे है, इसमें कुछ ऐड हो रहा है, 360 में कुछ ऐड होके तो वो अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, जैसे आइए देखते हैं, ये मान लीजिए एंगल 360 का है, यहाँ पे सारा एंगल 360 का है, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था रेवोल्यूशन लेते हैं, दो एक दो ऐसे रेवोल्यूशन ले रहे थे हम, ठीक है दोस्त, ऐसे सेम यहाँ से स्टार्ट हुए हम, यहाँ पे आगे 360 खत्म हो गया, 360 में कुछ ऐड हुआ तो यहाँ पे चला गया, वो चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 360 में ऐड होकर किस में चला गया, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है दोस्तों, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो इसका सारा क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों, बस आपको देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सारे पॉजिटिव लिख दो, टेन थीटा क्योंकि नो चेंज, चेंज तो है नहीं है, और सिकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा, ठीक है दोस्तों, 180 है चेंज नहीं है, और ये एज इट इज लिख दिया मैंने, और क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में सारे पॉजिटिव हैं, तो इस तरह आप समझ के भी फार्मूले कर सकते हैं, ठीक है, बड़ा इजी है, बस आपको 90 और 270 में चेंज करना है, 180 360 में चेंज नहीं करना, ठीक है, और चेंज इस चीज़ में करना है, ठीक है, और आपको इसके अकॉर्डिंग देखना है, ये कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, इसको नहीं देखना, इसके अकॉर्डिंग लगाना है प्लस माइनस का। आई होप आपको समझ आएगा, थैंक यू वेरी मच।